दोस्तों ये पांच आते हैं आपकी हड्डियों को कर देंगी बेहद कमजोर। यदि आपके अंदर भी ये पांच आते हैं तो आप जल्द ही इन आदतों में बदलाव कीजिए। साथियों इसके बाद पहले कि मैं आगे बात करूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके और मैं लगातार आपके भी मौजूद रह सकूं। यदि दोस्तों आपकी भी हड्डियां कमजोर हो रही हैं तो आपको इन पांच आदतों में बदलाव करना बहुत जरूरी है। आमतौर पर पहले देखा जाता था कि बुजुर्ग लोगों के जो बूढ़े लोग होते थे उनकी हड्डियों में कमजोरी आती थी, लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल, चाल चलन और अन्य चीज़ों के प्रभाव के कारण अब नौजवानों को भी हड्डियों की परेशानी होने लगी है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ पांच जरूरी कारण हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। यदि आप इन पांच जरूरी कारणों पर गौर करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करते हैं तो आप इस भयंकर बड़ी समस्या से निजात पा सकते हैं। साथियों पांच कारणों में पहला कारण है तंबाकू एवं अल्कोहल। अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करना, तंबाकू का सेवन करने से आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, क्योंकि हड्डियों के कारण ही आपका स्ट्रक्चर बना होता है और आपके शरीर को सहारा मिलता है। इसलिए आप अत्यधिक मात्रा में शराब और तंबाकू का सेवन न करें। लीवर के साथ साथ ये हड्डियों के कैल्शियम को भी नुकसान पहुंचाता है। दूसरा कारण है आपका कैफीन। अत्यधिक मात्रा में सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, चाय और बार बार इनका सेवन करने से आपके अंदर की कैल्शियम कमजोर होती है, जो आपके सीधे हड्डियों को प्रभावित करते हैं। इसलिए अधिक मात्रा में कैफीन का उपयोग न करें। बीट ब्रॉन यानी कि आटे का चोकर, आटे का चोकर अत्यधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। इससे आपका कैल्शियम प्रभावित होता है और आप फिर हड्डियों के रोगी बनने के चांस आपके बढ़ जाएंगे। इसके बाद आता है नमक। साथियों आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में नमक के अधिक उपयोग से बचना चाहिए, क्योंकि एक शोध में यह दावा किया गया है कि सोडियम की अधिक मात्रा शरीर की कैल्शियम को प्रभावित करती है और सीधे सीधे आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं। साथियों एक आदत है फिजिकल एक्टिविटी। आज के दौर में आराम करने की जो सिस्टम चला है इससे बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। लोगों के अंदर फिजिकल एक्टिविटी मतलब शारीरिक व्यायाम से संबंधित क्रियाकलाप बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। हम शारीरिक व्यायाम से यदि हमें कहीं जाना है तो हम मोटरसाइकिल का उपयोग करते हैं, छोटे से छोटा काम में टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। तो हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है मतलब शारीरिक व्यायाम वाली दिनचर्या वह बहुत कम हो गई है। इसलिए हड्डियों के कमजोर होने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है। मेरा निवेदन है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करें और इन पांच आदतों में सुधार करें, आप इनसे बचें ताकि आप एक सुरक्षित भविष्य की ओर आगे बढ़ सकें, स्वस्थ रह सकें, तंदुरुस्त रह सकें। आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।